अपन लोग साउंड रेडी कर रहे हैं, अभी एक ठो काटना है और ये एक ठो अपन का कट चुका है। तो अपन के बता चुके हैं 200 प्लस 200 प्लस 200 वाट के अपन तीन स्पीकर लगाते हैं। आप लोगों को मैं साउंड दिखा देता हूँ किस प्रकार के रहते हैं। ये भाई है जो पूरा काटे पीटेंगे, नापेंगे भी भाई, तो अपन लोग दिखाते हैं कि कैसा साउंड रहेगा। तो भाई साउंड कुछ अपन का इस प्रकार का रहेगा, ठीक है ना। आप लोगों को जाली भी मैं दिखा चुका हूँ कैसी रहेगी। ये है अपना साउंड, ठीक है, देख सकते हैं। और ये जो रही हैंडल की बात, जो हैंडल के अगल बगल अपन लोग इसलिए करते हैं भाई, एक दिन मैं साउंड रखा तो अपन के स्क्रैच आ रहे थे साउंड पे। अब बाकी चलिए मैं आप लोगों को अभी जो काटेंगे तो उसकी पूरी हाइट और दिखाता हूँ कि कितना हाइट है, कितना वो है, और पूरा कंप्लीट करते हैं अपन, चलते हैं। अपना कार्य प्रगति पर है, आप लोगों को ए टू जेड अपन दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से अपन बनाएंगे। तो जो इसका बैक का रहेगा वो कितना रहेगा, डेढ़ डेढ़ फिट का रहेगा। अपन लोग पूरा वो लाइन मतलब निशान बना लेते हैं, उसके बाद अपन कटिंग करते हैं, फिर अपन लोग जोड़ते हैं, ठीक। निशान बना दिए हैं, इसमें नहीं दिखेगा, बाकी मैं आप लोगों को नाप के दिखाता हूँ। तो ये जो है ये अपन का पीछे करेगा, तो पीछे का कितना अपन किए हैं, लंबाई इसकी 4 फीट है, ये जो लंबाई है 4 फीट है, एक बार नाप के दिखा दो, क्योंकि प्लाई ही 4x8 की है, ठीक है। तो देखो लंबाई कितनी है, 4 फीट अपन का साउंड रहेगा, और अपन की चौड़ाई कितनी है, जो बैक का ये रहेगा कितनी है, 1.5 फीट, ठीक है। और ये जो अपन की ऊपर और नीचे जो अपन का काट के लगाएंगे वो कितनी है, ये भी 1.5 फीट, मतलब कम है 1.5 फीट से, आई मीन ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 तो 1.15 में रहता है। बाकी आप लोग भी इतना ही साउंड बनाना चाहते हैं जैसा दिखाएं, तो आप लोगों को ये पूरा मैं नाप के दिखा रहा हूँ। देखिए ये साइड साइड के जो अगल बगल, तो साइड साइड के दोनों कितनी बराबर रहेंगे, ये देखिए, ठीक है, साइड साइड के दोनों बराबर। चलिए इसको अपन पहले कटिंग कर लेते हैं। भाई कटिंग करने के बाद ऐसा लुक दे रहा है। अभी नीचे का अपन ने नहीं काटा, अभी नीचे का काटना है और उस साइड का काटना है नीचे का, और बाकी यहाँ की तो मान लीजिए काट चुके हैं, पूरा ऊपर की फिनिशिंग दे चुके हैं। इसके पार्ट टू आएंगे, ठीक है ना। दोनों दोनों जो साउंड रखे हुए हैं, एक ये वाला रखा है और एक ये वाला रखा है, तो इसके पार्ट अपन टू लाएंगे। तो ये पार्ट वन है और पार्ट टू जल्द ही आएगा। तो पार्ट टू में अपन बताएंगे कि स्पीकर अपन कौन सा लगाते हैं और कैसे अपन वायरिंग करते हैं। इसके अंदर अभी फॉर्म भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि जब इसका बेस बन जाता है, क्योंकि 200 प्लस 200 वाट के लगाएंगे उतना नहीं है, पर लेकिन तो भी अपन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो साइड का रहता है ना, तो साइड का ऐसा लगता है कि वो निकल जाएगा, साइड में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बेस के कारण। और प्लाई आप लोग हो सके तो भाई 18 mm यूज़ करना, जितनी पतली प्लाई यूज़ करोगे तो खट खट की आवाज़ की आपको इशू होगी, ठीक है ना। बाकी कुछ भी दिक्कत होगी तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए, ऊपर आपको इंस्टा आईडी दिख रही होगी। बाकी कुछ सामान चाहिए होगा तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा, बस COD अवेलेबल नहीं होगी, बाकी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पार्ट टू पे मिलते हैं आपको।